कर दोस्तों शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे। तो दोस्तों आज जैसे कि देख रहे हैं कि 11 तारीख है, शिवरात्रि है दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों कोई रेसिपी बनाने वाली नहीं हूँ दोस्तों। आज मंदिर में चलेंगे हम पूजा करने के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छी मंदिर है दोस्तों, आप लोग को दिखाएँगे वहाँ पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मेले में आ गए हैं। मेले में काफ़ी शोर हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर थोड़ा हल्का हुआ है, क्योंकि सुबह में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहता है। तो हम चल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि चढ़ाने के लिए हमने पेड़े लिए हैं, और यहाँ पे नरियल और चुनरी इन सभी को ले लिए हैं। लेने के बाद से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारी नरियल रखा है। तो यहाँ पे माता जी को नरियल चढ़ता है। नवरात्र के समय में दोस्तों भी इसी तरह से बहुत काफ़ी भीड़ रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी लोग ले रहे हैं इसी तरह से। अब हम चल रहे हैं पानी लेने चढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हाथ पैर को हमने धोकर अच्छे से पानी यहाँ पर ले लिए हैं। तो दोस्तों मंदिर में आपको ज़्यादा सीन नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी भीड़ है उधर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि दूर से आपको दिखाई दे धर्मशाला है। धर्मशाला में दोस्तों भंडारा चल रहा है, सब लोग यहाँ पे खा पी रहे हैं अपना। तो इसके बाद हम दोस्तों अब चल रहे हैं दोस्तों मिलते हैं, उसमें उसका पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर चुनरी बांधा जाता है। तो आपको हम चुनरी हाथ में दिखा दे रहे हैं, लंबे लंबे साइज में सब लोग अपना नीचे से ऊपर ले बांधते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से चुनरी बांधा जाता है। यहाँ पर जो चुनरी हम लाए हैं, हम भी उसी तरह से चुनरी को बांध दिए हैं उसमें। इधर देख रहे हैं दोस्तों हवन भी हो रहा है, यहाँ पे जेंट्स लोग हवन कर रहा है। यहाँ पे दो दिन पहले हवन होता है, यहाँ पे दोस्तों शिवरात्रि के दो दिन पहले से हवन होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हवन हो रहा है, सब लोग बैठे हैं बगल में, अब बीच में हवन कुंड है, इसमें हवन हो रहा है यहाँ पर। और दोस्तों देख रहे हैं कितने सारे भीड़ है यहाँ पर। कि दोस्तों हम चल रहे हैं इसी तरह से सारे मंदिर में पूजा कर लेंगे। अंदर का सीन तो दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोग सभी को। यहाँ पे नीम का पेड़ है, यहाँ पे भी पूजा होता है, सब लोग जो बांधते हैं यहाँ पर भी चुनरी बांधा जाता है। यहाँ पे दोस्तों अब इसी तरह से हमने पूजा कर ली है, यहाँ पर भी अब टीका लगा दे रहे हैं इसी तरह से। यहाँ भी देख रहे हैं कितने सारे चुनरी बांधा है इस पर। यहाँ पर धागे भी जिसकी मंगत पूरा हो जाता है इसी तरह बांध देते हैं सब लोग। इसी तरह से हमने पूजा यहाँ पर भी कर ली है। तो दोस्तों फिर हम नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इतनी छोटी हमारा वीडियो था।